Galitos presents Osamo Speaks. Hello friends and fans, this is Osamo Speaking. क्या कर रहे हो? कुछ लश्कारे मार के नए बैकग्राउंड के शशके दिखाओ यार राजा जी। समो भाई ते फिर तुसी साइड ते खलो जाओ। यहाँ ठीक है? और साइड ते। यहाँ ठीक है? बल्कि आप पूरा अपना वजूद यहाँ से हटाइए, जाइए यहाँ से। टक्के की इज्जत नहीं मेरी यहाँ पे। बात करेंगे आज तरंग के एक रंगीन एड की। शुरुआत ये होती है कि सभाबाजी नाश्ते के लिए चाय गर्म करती है कि उनको कोई इल्हाम होता है। जैसे वो खिड़की का पर्दा खोलती हैं तो सारे गामा पाधा सानिधा पमागारे सके सारे सुर आके लहराते हुए तरंग के डब्बे की शक्ल अख्तियार कर देते हैं। भैया ये जादू देख कर जादू को भी दस्त लग गई। डब्बे से निकली तरंग वाइटनर की धार चाय में कुछ इस तरह से घुल मिल जाती है कि मानो हिरोशिमा नागासाकी पे फिर से बमबारी हो गई। नजाकत भरे अंदाज से बेगम शोहर को चाय पेश करती हैं। चाय का एक सिप मारते ही सभाबाजी की जुल्फें ऐसे उड़ जाती हैं जैसे हल्क ने मुंह पे फूसी मार दी हो। शोहर बीवी की ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी देख के व्हाट द एफ वाला लुक देते हैं। अंगूठों से धागा लपेटने का ये बेमकसद स्टेप करने के बाद खड़े होकर बीवी शोहर मुफ्त का मुजरा लगाने शुरू हो जाते हैं। अरे भाई क्यों, क्या हो गया? पास खड़े लड़की के सास ससुर ये इतना इंटीमेट पैशनेट डांस परफॉर्मेंस देखने के बाद दिल ही दिल में ये कह रहे होते हैं, ओह कम ऑन, गो गेट अ रूम यू टू। इतना प्यार भरा घरेलू माहौल, मतलब घर में मुजरे चलने वाला था। घर में ऐसी खुशियों का माहौल बरकरार रखने के लिए इस बंदे को तो मिसाली शोहर का सर्टिफिकेट देना। आइए इस बंदे से एक दो कोई प्रो टिप ले लेते हैं। देखो मियां, अपनी बंदी को रुलाने से पहले ये सोच लो कि दुनिया में कई हरामखोर उसके आंसू पोंछने के लिए तैयार बैठे हैं। ये प्रो टिप तो आपके लिए है। मेरे छड़ेपन का तो ये आलम है कि आज तक मेरे बालों में उंगलियां सिर्फ मेरे नाई ने फेरी हैं। अरे मैं तो वो इग्नोर्ड शख्स हूँ जो मेहंदी में अंताक्षरी खेलते हुए लड़कियों की अटेंशन हासिल करने के लिए ये गाना गाता है और जिन्हें मेरा दिल लुटिया कोई एक बंदा ओहो तक नहीं करता। अगले सीन में ये सूट टू बी दुल्हन, पापा की परी, बाबा की रानी, अम्मा की बिटिया, जैसे ही तरंग से बनी चाय सिर्फ सूंघती है, इससे रहा नहीं जाता। अफीम नहीं मिलाई हुई चाय में यार। कोली की मदद से एक सिप मारने के बाद इनको भी वही हवा का झोंका लगता है जो मुजरा करने पे मजबूर कर देता है। फिर वही बेमकसद ठेंगे वाला स्टेप करने के बाद दुल्हन आंख से गोली मारती है और दो चार ठुमके मार के अपने दिमागी तवाज़ुन ठीक ना होने का सबूत देती है। लेकिन जो भी हो, क्यूट तो बहुत है यार। फ्रस्ट्रेटेड सिंगल का सवाल है कि भाई कौन से वेबसाइट से मिलती है ऐसी दुल्हने। हम तो जैसे ही पैदा हुए पप्पो ने कहा मुबारक हो मेरा दामाद हुआ है। आखिर मतलब क्या गोविंदा भाई, क्या देखा जाता है एक लौंडे में? जात पात ऊंच नीच पीढ़ी सीढ़ी खानदान पानदान संस्कार का बैंक बैलेंस फंड बंट शंट बाबा जी का सब देखा जाता है साला। हाँ भाई सही बात है, आजकल लड़का अमीर हो तो इस्तखारे में भी हाँ ही आती है। अगले सीन में फिर वही मुजरे वाला झोंका। इस हवा के झोंके का क्या सीन है भाई? क्या इस हवा के झोंके में किसी खुसरे की डकार घुल मिल गई है? मेरे दोस्त मान लिया कि चाय पाकिस्तानियों के लिए अशरफुल मशरूबात है। प्याले जानू से जुदाई सह लेंगे लेकिन चाय के प्याले से जुदाई हम नहीं सह सकते। एक दिन चाय न मिले तो शायद हमारी नब्ज चलना बंद हो जाए। चाय पी पी के हमारा ब्लड ग्रुप टी पॉजिटिव हो गया है। लेकिन जो भी सिटी के गले का चौकीदार चौकन्ना हो जाए। कंपटीशन आ गया बस। सिटी के बाद उसकी सारी सहेलियां बालकनियों में खड़े होकर मोहल्ले वालों के लिए मुफ्त का मुजरा लगाती हैं। ऐसी यारी मैंने नहीं देखी। एक सिटी मारी और सारी क्राइम पार्टनर्स हाजिर। ये वो बेस्टीज होती है जो हर सूरत में आपकी डीपी लाइक करती है, बेशक पिक्चर में आपका मुंह हेलीकॉप्टर जैसा आया हो। वैसे अंदर की बात बताऊं तो हरीम जैसी लड़की मेरे कॉलेज में हुआ करती थी। एक दफा उसने पेन मांगा और मेरी पेन रुल गई, रातों की नींद बर्बाद हो गई। मुझे लगा उसको मुझसे प्यार हो गया। खैर ये एड देखने का बाद पता लगता है कि ये पूरी कास्ट और प्रोडक्शन एक चीज पे बहुत तहे दिल से यकीन रखते हैं कि जानी मोहब्बत पाने का नाम है और इनकी मोहब्बत तरंग ही तरंग है। इनकी क्रिएटिविटी 6 स्टेप्स पे दंग हो जाती है। चाय सूंघी, चाय पी, हवा लगी, अंदर की मरासम जागी, डांस की महफिल लगी और खत्म। एंड में सारी खवातीन खट्टे नींबू चाटने वाले एक्सप्रेशन देती हैं। ये सब जिस बंदे ने सोचा, इस कैंसर बनाने वाले मास्टरमाइंड की वजह से हमारे माइंड की तो मार छोड़ यार, मैं क्या कहूँ। अरे पता करो इस शख्स के दिमाग में जेनुअन कोई केमिकल लोचा है। हो सकता है बचपन में खोते से गिर के सर पे चोट लगी हो।
हेलो, क्या हाल है सम्मो? बस रिहान मियां, जिंदगी मीम्स की तरह हो गई है, सब देख के हंसते ही है। यार कभी हमारे पास भी चक्कर लगा लो दुबई में भाई। हाँ मेरा मूड है तो सही, जुलाई में आता हूँ। बड़े फ्रेंड्स इधर आपके, और हाँ मीट एंड ग्रीट का भी सीन रखते हैं इधर इंशाल्लाह। सर जरूर जरूर जरूर, लाल किला रेस्टोरेंट में मिलेंगे दुबई में, डेट और टाइम डिसाइड करके आपको बाद में बता देंगे। हमारी शर्टें खरीदो भाई। नए हो तो रुक जाओ, बात सुनो, दोनों चैनल सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब सब्सक्राइब।